Hello and welcome to the Domichef Travels. We are at our very own Goa. यहाँ पहुँचने के लिए हमने डायरेक्ट फ्लाइट माले से ली थी और अगर आप हमारी दुबई और मालदीव्स हनीमून ट्रिप की वीडियोस नहीं देख पाए तो आपको डिस्क्रिप्शन में उन सीरीज के लिंक्स मिल जाएंगे। वेल, हमारे इस 2 वीक्स के गोवा ट्रिप में बहुत सारी हैपनिंग और फेमस प्लेसेस के साथ साथ हम आपको कुछ ऑफ पीट लोकेशंस में लेकर जाएंगे, जैसे कि आज हम जा रहे हैं दीवार आइलैंड। दीवार एक रिवर आइलैंड है जो कि चारों साइड से मांडवी रिवर से कवर्ड है। ये 4 मेजर फेरी पॉइंट से कनेक्टेड है। हम रविंदर फेरी पॉइंट से आए हैं, जहां पहुंचने का हमें टाइम 6:30 AM का दिया गया था। वैसे यहां से आपको हर 30 मिनट में आइलैंड जाने के लिए फेरी मिल जाएगी। Do you know an interesting story behind the name of this island? Divar Island was earlier known as Devbhumi, where people used to come to perform religious activities in temples. Later on, it was named as Deepvati. And after Deepvati, the island was called Dweepvati and then Divati. But when Portuguese settled in, they couldn't pronounce any of these names and hence gave this island a name called Divar. Divar is the second largest island in Goa, with first being Churao Island, which is adjacent to Divar Island. Churao Island is also famous for Salim Ali Bird Sanctuary. Now we are entering the village and from ferry point se yahan tak lagbhag 1 km open area hame single road se cover karke aaye hain. आप देख सकते हैं कि आसपास कितनी ग्रीनरी है, रोड्स कितनी स्मूथ है। यहाँ की फील ही कुछ अलग है, बाकी गोवा से बिल्कुल अलग, एकदम पीसफुल और लेड बैक। अब हम पहुंच गए हैं यहाँ के फेमस गणेशा टेंपल में, जिसका नाम श्री शक्ति विनायक देवस्थान है। कहा जाता है कि मंदिर जो पहले राइट साइड में ऊपर चर्च है वहां पर स्थापित था। जब पोर्चुगीज ने मंदिर तोड़ा तो उसमें 12वीं सदी की एक मूर्ति थी, जिसे एक बिचोलिम नाम के गांव में मूव कर दिया गया। अब हम मंदिर से आगे निकल चुके हैं और हर तरफ देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुल पोर्चुगीज स्टाइल घर हैं। दे आर सो लैविश, सो ब्यूटीफुल, मतलब हर तरफ कितना काम और सूदिंग एनवायरनमेंट है। और क्या आप जानते हैं कि इस आइलैंड में नियरली 2300 लोग रहते हैं। दिस इज द फेमस चर्च ऑफ सेंट एंथनी, हु इज आल्सो नोन फॉर लव मैरिजेस एंड लॉस्ट थिंग्स। सेंट एंथनी इज अ वेरी पॉपुलर सेंट इन गोवा एंड देयर आर लॉट ऑफ पार्क्स एंड चर्चेस नेम्ड आफ्टर हिम। एंड व्हाइल आवर गाइड वाज टेलिंग अस अबाउट दिस चर्च, ही गॉट अटैक्ड बाय सम स्ट्रीट पब्लिक्स। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ स्टोन एज के टाइम की एक मैनमेड केव है जहाँ एक योगी रहा करता था। यहाँ जमीन काफी शेकी है, इसलिए अंदर जाना अलाउड नहीं है। अब हम आ गए हैं इस हिस्टोरिकल चैपल में, जहाँ 24/7 कैंडल्स जलती रहती हैं और इस ब्यूटीफुल चैपल की देखरेख के लिए एक फैमिली डेडिकेटेड की गई है। Now we are at the site of the temple of Saptakoteshwar. It is said that in this place all the pandits used to wash their hands and feet and only then they were allowed to proceed to their temples. This place has underwater spring and 2 to 3 steps below there is another line of another temple. It consists of 108 temples built in the 12th century. During Diwali, diyas are put up in every carving that we see. क्या आप जानते हैं कि पूरे गोवा में ये एक रेयर प्लेस है जहां उराक पूरे साल स्टॉक करके रखी जाती है, और जिन्हें उराक के बारे में नहीं पता तो उराक गोवा की काफी पॉपुलर ट्रेडिशनल एल्कोहलिक ड्रिंक है जो कि फर्मेंटेड कैशू फ्रूट से बनाई जाती है। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक बहुत ही यूनिक और ट्रेडिशनल फिशिंग करने का तरीका जो यहाँ के लोग काफी टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं। चलिए देखते हैं। ये जगह स्लिश केट फिशिंग के नाम से फेमस है। कि जो आप स्लिश केट्स देख रहे हैं, ये ना ही सिर्फ हाई टाइड में पानी का फ्लो कंट्रोल करने में काम आते हैं, बट आल्सो लो टाइड में इस नेट के जरिए फिश को पकड़ने के लिए भी लगाए गए हैं।
by the end of the stay, we were amazed to be hosted by one of the residents of this beautiful island. So let's enjoy authentic evening snacks and live music performed by our guide. Also, if you're liking our videos, please smash the like button, share it with your family and friends so we can expand our DomiChef family. So this is how we spent our day in this beautiful island, but don't go anywhere as we are so overwhelmed with this place that we planned electric bike tour, which we are going to show you in this video only. So stay tuned. Here's another refreshing day in Goa and we are again heading to Tivar Island, but this time we'll ride bike and show you around the off-road beauty. And that's not all, we'll also take you to another smaller island which is within the Tivar Island, which we are sure you will be amazed to see. So let's go! आप देख सकते हैं कि ये जगह कितनी सुंदर और पीसफुल है। ब्रेकफास्ट के बाद हम आपको लेकर जा रहे हैं उस छोटे आइलैंड में जिसका नाम है वेंगसेल। तो चलिए देखते हैं। वेंगसेल आइलैंड जाने के लिए वाशी फेरी पॉइंट से हमने फेरी ली है जो कि अगेन हर 30 मिनट्स में अवेलेबल है। This tiny fisherman island is surrounded by mangroves and is a home to around 20 families. This Church of Santo Cristo is also known as Holy Christ Church, where people celebrate feast in the month of May on the second Sunday every year. So that's all for today. Hope you enjoyed our video. Do like and share with others. Also subscribe to our channel to explore Museum of Goa and this crazy night market in our upcoming videos. See you!